गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास में ये आपका सेकेंड पार्ट है, टेबल। टेबल मैंने आपको 2 और 3 का करा दिया था, ये आपका है 4 का टेबल। इसमें मैंने आपको ये लिख के दिखाए हैं, 10 कॉलम्स बनाए हैं जिसमें 4, 10 और 1, 2, 3। देखिए 10 दिया हुआ है ना, अब इसे आप कैसे पढ़ेंगे इसे देखिए। 4, 1 इज 4, 4, 2, 4, 2 आर 8, 4, 3 आर 12, 4, 4, 4, 4 आर 16, 4, 5 आर 20, 4, 6 आर 24, 4, 7 आर 28, 4, 8 आर 32, 4, 9 आर 36, 4, 10 आर 40। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है। आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में टेबल 4 लिखना है और साथ में इसे बोलने का तरीका भी आपको जैसे मैंने इसमें बताया है वैसे ही आपको लिखना है। ओके बच्चों, अब आपको मैं बताती हूँ टेबल 5। ऐसे ही आपका ये हो गया टेबल 5। टेबल 5 में 5, 1 इज 5, 5, 2 आर 10, 5, 3 आर 15, 5, 4 आर 20, 5, 5 आर 25, 5, 6 आर 30, 5, 7 आर 35, 5, 8 आर 40, 5, 9 आर 45, 5, 10, 50। ऐसे ही मैंने आपको ये वाला भी ऐसे करके दिखाए हैं। अब आपकी बुक में देखिए, ये 4 की एक्सरसाइज दी हुई है और ये 5 की एक्सरसाइज दी हुई है। ये मैं आपको PDF में भेज दूंगी और आपको इससे देख के आपको करना है। जैसे आपके में ये फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द सर्किल, ये आपके दिए हुए हैं ना, 5 = 36 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, आपको बताना है इसमें कहाँ है आपका 36, आपको ये बताना है। इसके बाद 4, 6 आर 4, 4 आर 4, 5 आर 4, 9 आर 4, 8 आर, ये आपको फिल करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।